रोहित शेट्टी और करण जौहर ने हाल ही में इस बात का ऐलान किया है कि उनकी आने वाली फिल्म सिम्बा में सारा अली खान लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई देंगी। इस बड़े ऐलान के साथ साथ करण जौहर ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी भी दी है कि फिल्म सिम्बा इसी साल 28 दिसंबर के दिन रिलीज होगी, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि रणवीर सिंह की ये फिल्म सलमान खान की दबंग 3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम बता दें कि सलमान खान चाहते हैं कि इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हों, इसीलिए उन्होंने रेस 3 के तुरंत बाद दबंग 3 की शूटिंग शुरू करने का फैसला किया है। फिल्म दबंग 3 की स्क्रिप्ट पहले से पूरी की जा चुकी है और फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क भी फाइनल स्टेज पर है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दबंग 3 की शूटिंग अक्टूबर तक खत्म कर दी जाएगी और साल के लास्ट महीने में इसे रिलीज किया जाएगा। हालांकि अभी तक दबंग 3 के मेकर्स ने रिलीज तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ट्रेड पंडितों का मानना है कि भाईजान 28 दिसंबर को ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। इसका मतलब है कि साल के खत्म होते होते बॉलीवुड रणवीर और सलमान की फिल्मों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस साल के आखिरी टक्कर में सलमान और रणवीर में कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें NMF न्यूज़।